नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पीस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पदाधिकारियों ने पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने की मांग की। मीडिया से बातचीत में पीस पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सुफियान अहमद ने मीडिया को बताया कि 2006 से बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही थी, जिसे भाजपा सरकार ने 15 अक्टूबर को समाप्त कर दिया। बुनकरों को अगर फ्लैट रेट पर बिजली नहीं दी जाती है तो बुनकर भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बुनकरों की सभी समस्याओं को दूर करने की मांग भी की। क्या नाम है आपका? मैं सुफियान अहमद, पीस पार्टी जिला कोषाध्यक्ष। क्या मामला है कि आप लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में? देखिए, हमारा मामला है जो है, जो बुनकर पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रदेश सरकार ने बुनकरों को जो फ्लैट रेट से बिजली मिल रही थी 2006 से, उसको अभी अक्टूबर 15 अक्टूबर से उसको खत्म कर दिया गया है। जो कि भुखमरी के कागार पर बुनकर अगर फ्लैट रेट से बिजली की बिल नहीं मिलेगी तो पूरे तरीके से भुखमरी के कागार पर आ जाएगा। अगर 300 रुपये की उसकी आमदनी है, 1000 रुपये कहाँ से बिल के देगा? उसी की मांग है कि जो तुरंत ख़त्म किया जाए, फ्लैट रेट से जिस तरीके से पहले मिल रही थी उसी तरीके से पूरा बहाल किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे आपके क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी इस कार्यक्रम को चला रही है सभी जिला मुख्यालय पर। आज उसी के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले में अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व के निर्देश पर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग पुनः जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या